Hello and welcome back to Topic Study channel and let's start the daily current affairs of 12th of November. First of all, I would like to say, देखिए मैंने इसमें इंग्लिश में, this is the English version of this current affairs of 12th of November, right? इसमें मैंने जितने भी questions cover किए हैं वो English में होंगे. एंड हाँ, अगर आपको हिंदी की वीडियो देखनी है तो आप इसके हिंदी वाले पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं. दोनों वीडियो सेम है, बस उसमें हिंदी की क्वेश्चंस है एंड इसमें इंग्लिश की क्वेश्चंस है. मैंने बहुतों के कमेंट देखे थे कि मैम हिंदी में क्वेश्चन लाइए, आप बिल्कुल उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं. इसमें सारी चीज़ें हिंदी में दी गई हैं एंड इसमें मैंने क्वेश्चंस को जस्ट इंग्लिश में कवर किया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस गोविंद माथुर वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. तो जस्टिस गोविंद माथुर जी किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है. ऑप्शन है ए अलाहाबाद, अलाहाबाद के नियुक्त हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस ए पी शाही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. इसमें बात की जा रही है कि जस्टिस ए पी शाही जी अभी किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए पटना, ये पटना के नियुक्त हुए हैं. ठीक है, देखिए ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ है इम्पॉर्टेंस कि लाइक अभी नए नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, जस्ट वी हैव टू नो कि हाँ ये हुए हैं क्योंकि हम करंट अफेयर्स ये देख रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन है, सीनियर जस्टिस एस के सेठ वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. इस क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि ये वरिष्ठ जज हैं एस के सेठ जी, ये किस हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं. तो ये मध्य प्रदेश के हुए हैं. एंड द लास्ट वन, जस्टिस संजय करोल वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. तो अगर संजय करोल जी की बात आती है तो ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं. तो ये हो गई चारों, ध्यान रखिएगा. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वाइज. फिफ्थ वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो नोन एज द वुजन समिट वॉज हेल्ड इन वुजन इन विच कंट्री. देखिए सबसे पहले अगर एनीवन हैव अ मैप नॉलेज तो वुजन चाइना में पड़ता है, आप इसका आंसर दे सकते हो. उसके अलावा ये इस क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि फिफ्थ वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, जो कि विजन समिट के नाम से भी जानी जाती है और ये विजन में हुई है. तो ये किस देश में है, ये है चाइना में. योर ऑप्शन इज ए चाइना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ बैन ऑन सनस्क्रीन टॉक्सिक्स टू कोरल रीफ. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने बैन लगा दी है सनस्क्रीन की, जो कोरल रीफ की, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बैन लगा दिया है कम्प्लीटली. तो ये है पलाऊ, योर ऑप्शन इज ए पलाऊ. नेक्स्ट वन, हु वॉज कन्फर्ड द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर. देखिए ये इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि किसे फ्रांस की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है ना, जिसे जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, ये वहाँ की ना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, तो बोला जा रहा है फ्रांस की, तो बोला जा रहा है ये किसे प्रदान किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है ये देकर. तो इनका नाम है जवाहरलाल सरीन. योर ऑप्शन इज ए जवाहरलाल सरीन. नेक्स्ट वन, एन इंडियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वॉन द 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज, हर नेम इज. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि ये हमारी भारतीय पत्रकार है और इन्होंने 2018 की लंदन की प्रेस फ्रीडम अवार्ड को जीता है साहस के लिए. ठीक है, तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है स्वाति चतुर्वेदी. ऑप्शन हो जाते हैं ए स्वाति चतुर्वेदी. नेक्स्ट वन, China has involved which country as a digital partner as a part of Beijing drive to cyber connect with Eurasia. देखिए चाइना ने किसे एज अ डिजिटल पार्टनर अपने साथ मिला लिया है ताकि वो जो बिजिंग ड्राइव करने वाली है साइबर कनेक्ट को लेकर. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है. ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक तरह का जो साइबर कनेक्ट जो चाइना करने वाली है और उसमें एज अ डिजिटल पार्टनर कौन जुड़ गया है, तो ये है हमारी इंडिया. योर ऑप्शन इज ए इंडिया. नेक्स्ट वन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेग्रेंट मटेरियल्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेग्रेंट मटेरियल्स के साथ. वो करेंगे क्या इन दोनों मिलकर जितने भी आपके सुगंधित तेल होते हैं ना उन सब में वो और सुधार करना चाहते हैं. तो ये है यूएसए की रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेग्रेंट मटेरियल्स के साथ ये समझौता किया गया है ताकि ये क्वालिटी इंप्रूव करेंगे फ्रेग्रेंट ऑयल की. फ्रेग्रेंट ऑयल मीन सुगंधित तेल.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्री ओवरटूक यूएस एज द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट आफ्टर चाइना. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए स्मार्टफोन बाजार की अगर बात करते हैं तो चाइना हमेशा नंबर वन पे रहती है, पर वो कौन सी देश है जिसने यूएस जो है वो सेकंड नंबर पे था, तो यूएस को पछाड़ दिया है. तो ये हमारी इंडिया, इंडिया हमारी सेकंड नंबर पे आ गई है अगर स्मार्टफोन बाजार की बात की जाएगी तो. ठीक है, तो योर ऑप्शन इज ए इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है NBCC जिसे हम जानते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, साइन एन एग्रीमेंट विथ विच मिनिस्ट्री टू एक्वायर हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि देखिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो किस मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है ताकि वो जितने भी हॉस्पिटल सर्विस है कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन के उसे एक्वायर कर सके. तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं. तो योर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट वन, विच स्टेट इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर निप्यू रियो लॉन्च GPS मैपिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड पर्सनल लोकेशन सिस्टम इन कोहिमा. देखिए चीफ मिनिस्टर निप्यू रियो इन्होंने लॉन्च किया है एक GPS मैपिंग, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और जो पर्सनल लोकेशन सिस्टम है वहाँ की कोहिमा की वहाँ के लिए. तो ये जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये है नागालैंड के. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए नागालैंड. तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि नागालैंड सरकार के द्वारा एक GPS मैपिंग लॉन्च की गई है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और वहाँ की जो पर्सनल लोकेशन सिस्टम है कोहिमा में. ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने GPS मैपिंग लॉन्च किया. तो क्वेश्चन ये आएगा कि GPS मैपिंग किसने लॉन्च किया है, तो ये है नागालैंड गवर्नमेंट. राइट, योर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एनालिसिस ऑफ द करेंट स्टेटस ऑफ मोबिलिटी इन अर्बन इंडिया, विच स्टेट रैंक्ड इंडिया मोस्ट कंजेस्टेड सिटी. देखिए इस क्वेश्चन में यही बात की जा रही है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है ना, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है एनालिसिस करके, जितनी भी करंट मोबिलिटी है अर्बन इंडिया में उसके तहत उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला है कि कौन सा शहर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है. तो योर ऑप्शन इज ए बैंगलोर. बैंगलोर हमारी भारत की सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी है अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इलेक्शन कमीशन सेटअप संगवारी पोलिंग बूथ्स इन वेरियस कंस्टिट्यूंसीज ऑफ विच स्टेट ऑफ इनकरेज वुमेन वोटर्स. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक संगवारी नामक एक पोलिंग बूथ्स जो होते हैं ना वोट देने वाले, तो संगवारी नामक बूथ उन्होंने स्थापित किया है ताकि वुमेन्स वोटर, जितनी महिलाएं वोटर हैं उन्हें वो इनकरेज करेंगे कि हाँ आप भी वोट देने आइए. तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है संगवारी, याद रखिएगा उनकी जो बूथ्स का नाम है पोलिंग बूथ्स दैट इज नोन एज संगवारी, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि मेडागास्कर के नेक्स्ट जो एम्बेसडर होंगे हमारे इंडिया से वो कौन है. इनका नाम है अभय कुमार. योर ऑप्शन इज ए अभय कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्रीज स्टेट रन प्रेस एजेंसी जिनुआ अनविल द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर दैट कैन रीड न्यूज़ इन इंग्लिश एंड चाइनीज. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि ये कौन सी देश है जिन्होंने कृत्रिम मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बना दिया है. देखिए इस देश का जिनुआ नामक इनका प्रेस का चैनल है और उसमें इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बनाया है. जो न्यूज़ पढ़ते हैं ना वो जो है वो ह्यूमन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल एंकर है. ठीक है, जो क्या करेगा, उन्होंने दो ऐसे बनाए हैं, एक इंग्लिश पढ़ के सुनाएगा और एक चाइनीज पढ़ के सुनाएगा. तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, ये देश है चाइना, चाइना ने ये किया है. तो ये चीज़ याद रखना है. ठीक है, तो योर ऑप्शन इज ए चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड फ्लोरोसेंट कार्बन नैनो डॉट्स फॉर साइमल्टेनियसली डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स. देखिए इस क्वेश्चन में यही बात की जा रही है कि किस IIT के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्च के द्वारा उन्होंने कैंसर से निपटने के लिए नैनो डॉट्स खोजे हैं. इस क्वेश्चन में यही बोला गया है. तो ये IIT रुड़की के रिसर्चर ने इसे खोज निकाला है. तो योर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट वन,
जी हाँ, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 नवंबर के, जो मैंने इसके हिंदी वाले जो वर्जन है सुबह अपलोड कर चुकी हूँ, और ये इंग्लिश वाला वर्जन है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो वीडियो देख सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्ट, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस कोट से आप ये सीख सकते हैं कि नो मैटर वॉट पीपल थिंक ऑफ यू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड वॉक अवे। अगर आपका कुछ गोल है, आपने कुछ सोचा है कि हाँ आपको ये चीज़ करना है, अगल बगल कुछ कोई कहते हैं, तो इग्नोर करिए एंड आप अपने जो भी आपका गोल है उस पर तत्पर रहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा टॉपिक स्टडी चैनल को। थैंक यू सो मच।